ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं परिवारवाद को लेकर, माफ करेगा समाजवादी परिवार में विवाद को लेकर। दरअसल अब शायद इन शब्दों के जरिए आप मायने समझ जाते, इसलिए आपको समझाने के लिए कोशिश थी। तो यहां पर तकरार चल रही है, मुलायम सिंह यादव की उलझन ये है कि बेटे के साथ जाएं या फिर भाई के साथ, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने सेकुलर मोर्चा न सिर्फ बनाया है बल्कि मुलायम सिंह को अपने पाले में लाने के लिए कसरत भी तेज कर दी है। शिवपाल की माने तो नेताजी को सम्मान दिलाने के लिए, वही सम्मान जिसको लेकर बार बार कहा गया कि शायद मरने के बाद सम्मान मिलेगा, उस सम्मान को दिलाने के लिए कहा कि मुलायम सिंह को सेकुलर मोर्चे का अध्यक्ष बनाएंगे। मैनपुरी से सेकुलर मोर्चे के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर है। शिवपाल ने तो यहां तक कह दिया कि नेताजी से पूछकर ही, उनसे आशीर्वाद लेकर ही इस सेकुलर मोर्चे का गठन किया गया है। शिवपाल ने एक बार फिर यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात को दोहराया। शिवपाल के इस दांव से मुलायम के सामने अब धर्म संकट खड़ा हो गया। हालांकि सियासत को जो समझते हैं वो ये कहते हैं कि शिवपाल जी का ये मास्टर स्ट्रोक है, मुलायम जी पास आते हैं तो भी लड्डू है, नहीं आते हैं तो भी भावनात्मक तौर पर फायदे ही फायदे हैं। तो मुलायम के सामने सवाल इस बात को लेकर है कि बेटे के साथ जाए या भाई के साथ, और सवाल के साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी है कि शिवपाल यादव का सेकुलर मोर्चा अखिलेश यादव और महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती। हालांकि महागठबंधन को लेकर वैसे ही सवाल है, ऊपर से शिवपाल जी का दांव कितना असरदार होगा इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेताजी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, उनसे ही हमने इजाज़त लेकर के मोर्चे को बनाया है। और नेताजी अगर मैनपुरी से किसी भी दल से चुनाव लड़ें, चाहे समाजवादी से लड़ें, वैसे तो हमने तो ऑफर किया है हमारे मोर्चे से चुनाव लड़ें, और अगर किसी भी दल से लड़ते हैं तो हम नेताजी मैनपुरी में केवल नेताजी को सपोर्ट करेंगे, से सभी सीटों पर हमारा समाजवादी सेकुलर मोर्चा चुनाव लड़ेगा। माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष हैं, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो संरक्षक हैं, हम समझते हैं कि वो हम लोगों के संरक्षक हैं और हम लोगों का संरक्षण वे पूरी तरीके से करेंगे। तो देखिए बयान हमने आपको सुनाया, चर्चा के एक बार फिर रुख करते हैं। और हमारे साथ मनीष शुक्ला जी लगातार बने हैं, ओंकार नाथ जी बने हैं, अभिषेक सिंह आशु साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी सेकुलर मोर्चे के, प्रेमकांत तिवारी जी यहां वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोली जी हमारे साथ थी लेकिन शायद ये मुद्दा जो था मुनासिब नहीं था, इस वजह से फिलहाल वो हमारे साथ नहीं मौजूद है। और सवाल जो है हम अभिषेक सिंह आशु साहब आपसे ही पूछेंगे, किस बात को आधार बनाकर आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह आपके पाले में, जबकि दूसरे चचा अमर सिंह कह रहे हैं कि वो बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और जो कुछ हुआ था वो प्रायोजित था। आपको शुरू से ये आवाज मिल रही है? आप जी जी आवाज आ रही है आपकी, और स्वागत भी आपका, आवाज आ रही है समाजवादी सेकुलर मोर्चे की तरफ से आप पहले मेहमान, इसलिए स्वागत भी आपका है। और सेकुलर मोर्चा के प्रवक्ता के रूप में जी मेरा पहला साक्षात्कार भी है। जी जी, तो सवाल बड़ा सीधा है, आभारी भी हैं कि किस बात को आधार बनाकर आप मुलायम जी को अपने पाले में रखने की बात कर रहे हैं जबकि दूसरे चचा अमर सिंह ये कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत हाल में आपकी तरफ नहीं आएंगे, उनका सारा जो मोह है वो पुत्र मोह तक ही सीमित है। श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले ही ये घोषित कर दिया कि हम लोग जो कुछ भी हैं जी नेताजी के कारण है जी, और ये जो आज स्थितियां बनी हैं ये नेताजी के सम्मान न होने के कारण ही बनी है जी, नेताजी के सम्मान के लिए ही हम लोग ये निर्णय लिए हैं जी। और शिवपाल जी ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि नेताजी हमारे मोर्चे से चुनाव लड़े अथवा किसी दल से भी चुनाव लड़े, हमारे मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता नेताजी के लिए काम करेगा, और नेताजी अगर हमारे मोर्चे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। और ऐसा नेताजी के चूंकि पूछ करके उनके आशीर्वाद से ही इस मोर्चे का गठन हुआ है, इसलिए हमें भरोसा भी है कि नेताजी हमारे साथ रहेंगे। नहीं आशु जी, देखिए शब्द जो होते हैं वो संकेत बहुत दूर तक देते हैं, आप दो तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बनेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं पूछ के किया है, अगर पूछ के किया है तो फिर बनेंगे क्यों, फिर तो वही है क्योंकि उन्हें वही बड़ा चेहरा है, शिवपाल जी हमेशा नंबर दो थे, और अगर पूछ कर नहीं किया है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वो आपके तरफ आएंगे? बिल्कुल पूछ के किया है, उनके आशीर्वाद से किया है,
और इसका पुख्ता आधार भी है, आप सबको इस बात का ज्ञान भी है जी। श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे के पूरे 2 साल तक इंतजार किया और जब नेताजी का आदेश मिला तभी शिवपाल जी ने यह निर्णय लिया है। और शिवपाल नेताजी हमारे नहीं, तो ये कैसा आदेश है? इस निर्णय के साथ ये भावनात्मक आदेश है, राजनीतिक तौर पर आदेश है, क्योंकि नेताजी ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर किसी सेक्युलर मोर्चे का समर्थन नहीं किया है, और अगर किया है तो आप मुझे याद दिला सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेताजी से पूछ करके श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने मोर्चे की घोषणा की है। नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम उनके विचारों के साथ हैं, एकदम स्पष्ट है, हम नेताजी के विचारों को लेकर आगे बढ़े। प्रेमकांत, क्योंकि आपके शब्दों में विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है, प्रेमकांत तिवारी जी समझते हैं। प्रेमकांत तिवारी जी, जितना मैं विश्लेषण कर पा रहा हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि शिवपाल जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। अगर नेताजी पाले में आते हैं तो पूरे प्रदेश में यह संदेश जाएगा कि देखिए जो वो कहते थे कि बेटे के खिलाफ है, बेटे ने गलत किया, वो संदेश गया, सपा को नुकसान हो गया। वो नहीं साथ आते हैं तो शिवपाल जी ये कम से कम जनता के सामने रख सकते हैं कि ये सब कुछ प्रायोजित था, एक प्लान के तहत था, और इस सब के बीच में उनके साथ अन्याय हुआ है, और उस अन्याय को लेकर वो प्रदेश भर में वोट मांग सकते हैं या वोट कटुआ के तौर पर एक अपनी अहम भूमिका को निभा सकते हैं। आपका विश्लेषण। शुभांकर जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि 2012 में जी, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में चुन करके आई थी विधानसभा के चुनाव में जी, तब नेताजी ने ये स्पष्ट दिशा अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी थी जब उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था जी, और उस समय भी काफी कुछ गहमा गहमी हुई थी, बड़ा मंथन हुआ था, और पार्टी के बहुत से नेता इकट्ठे हुए थे, बहुत से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, और बहुमत उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का अखिलेश की तरफ था और शिवपाल जी की तरफ कम लोगों का समर्थन था। लेकिन ये बात सही है, ये बात कही जाती है कि संगठन में शिवपाल जी की पकड़ मजबूत रही है जी। लेकिन एक बात यह है कि नेताजी ने आशीर्वाद जो देना था, जैसे अभिषेक सिंह आशु जी कह रहे हैं जी, तो आशीर्वाद उन्होंने पूरे तौर से अखिलेश यादव को दिया था और उन्होंने विरासत भी एक तरीके से उनको सौंप दी थी। नहीं तो फिर जो ये बयान आते हैं रह रहकर कि जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा, या फिर जो ये बयान आया कि जीते जी सम्मान नहीं हुआ जिसको आधार बनाकर आशु जी कह रहे हैं, इन बयानों क्या मायने? क्या ये शिवपाल जी को सिर्फ उलझाने के लिए है? लेकिन हाँ बिल्कुल, ये बात मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो शिवपाल जी के भी स्नेह जाल में, मोह जाल में ऐसे बंधे हुए हैं कि उनसे अलग नहीं होना चाहते, उनको कतई जो है वो निराश नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं जी। उनके सामने ये है कि वो तो ये जानते हैं कि प्रदेश स्तर पर या देश के स्तर पर अगर विरासत को समाजवादी पार्टी को ले जाने के लिए सक्षम है तो अखिलेश यादव हैं जी, और इसी लिहाज से वो अखिलेश यादव को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर यह भी है कि वो अपमान शिवपाल यादव का भी नहीं करना चाहते, लेकिन शिवपाल जी ये भी जानते हैं। चलिए एक छोटा सवाल और पूछ लेता हूं, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। अगर वो जी, शिवपाल जी जब 80 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मैं एक बात सिर्फ पूरी कर लेना चाहता हूं जी, कि शिवपाल जी जो ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रमुख बैठकों में उनको नहीं बुलाया जाता, विधानमंडल की बैठकों में उनको नहीं बुलाया जाता, यानी उनको उनका जो ड्यू रेस्पेक्ट है वो नहीं मिल रहा है जी, तो इससे वो निराश हैं। तो शिवपाल जी अपनी एक ये लाइन लेकर के चल रहे हैं कि समाजवादी सेक्युलर मोर्चा, जिसके लिए अभी वो घोषणा कर चुके हैं, ये बात भी कह चुके हैं कि नाम निशान, चुनाव निशान और झंडे के लिए वो चुनाव आयोग में भी जाने को तैयार है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है। इनको बिगाड़ने के लिए बहुत है जी जी, एक सवाल मैं और पूछूंगा। जब शिवपाल जी कहते हैं कि 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, 35 से 40 सीटें अखिलेश जी को मिलने वाली है, तो कितना असर उनका प्रदेश की राजनीति पर होगा जब परिवार के 2 सदस्य, क्योंकि समाजवादी परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 250 लोग सीधे तौर पर राजनीति में है, जब एक परिवार के खिलाफ दूसरे परिवार के सदस्य लड़ेगा तो क्या असर होगा, टकराव होगा, और होगा तो फायदा किसका होगा? हम चाहते हैं इसका विश्लेषण भी करें आप। जी जी, प्रेमकांत जी आप सही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है,
ये मैं एक बात ये कह दूं कि यहाँ पर बिल्कुल तय बात है कि अगर मान लीजिए 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं जी, तो कुल मिलाकर के ऐसी सीटों पर तो वो कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे। अगर मान लीजिए मुलायम सिंह यादव खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो वो भले समाजवादी पार्टी से लड़ें जी, लेकिन वहां पर शिवपाल यादव जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव के प्रति जितने वो श्रद्धा नत रहते हैं, जितना उनका वो सम्मान करते हैं, वो उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। बहुत से ऐसे भी और भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनसे भावनात्मक रूप से शिवपाल जी जुड़े हुए हैं, वहां पर वो कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे। असर कितना होगा? एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि शिवपाल जी जो है बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है जी, वो सिर्फ ये है कि उनको अहमियत नहीं मिल रही है जो अहमियत मिलनी चाहिए, जो अहमियत शायद बुआ जी को दी जा रही है, बाकी और उनको जो अहमियत शायद बुआ जी को दी जा रही है, लेकिन अहमियत बुआ जी को जा रही है, लेकिन अब यह है कि बुआ जी वास्तव में कितना विश्वसनीय है ये हम और आप सभी जानते हैं। मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। जनक सीटों की जो बात, बीजेपी फिलहाल चौतरफा घिरी पड़ी है अलग अलग मुद्दों से, अलग अलग मुद्दे देश भर में, ऐसा लगता है कि आखिरी साल में आपके ऊपर मान लीजिए बरसात हो गई इन मुद्दों की। इस बरसात के बीच में जब आप देखते हैं कि सबसे बड़े प्रदेश में जहां से देश की सियासत का रास्ता निकलता है, एक तरफ चाचा भतीजे की लड़ाई, एक तरफ बुआ भतीजे की लड़ाई है, चाहो भतीजे और चाचा के बीच में लड़ाई है, कितना राहत भरा यह होता है और कितना इसका लाभ आप देखते हैं भविष्य में? देखिए शुभांकर जी, दो बातें हैं जी। एक बात, हमारी रणनीति हमारे काम के आधार पर बनती है जी, हमारे कार्यकर्ता संगठन के आधार पर बनती है, जनता के आधार पर बनती है। हम चुनाव में किसी दूसरे दल के टूट-फूट या उनके अंदरूनी मामलों को देखकर चुनाव में जाने की रणनीति नहीं बनाते। दूसरी बात, अभी शिवपाल यादव जी की बयान की और शिवपाल यादव जी के जो सेकुलर मोर्चा उस पर बात हो रही थी जी, तो निश्चित रूप से श्री अखिलेश यादव जी के दावे और उनके जो विभिन्न प्रवक्तागण टीवी पर बैठते हैं, नेतागण जो टीवी पर बैठते हैं जी, जो दावे करते हैं कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जो राजनीतिक अनुभव में बड़े हैं, वो खुला उसकी पोल खुल जाती है जब शिवपाल जी और मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि मेरी उपेक्षा हो रही है या मरने के बाद सम्मान मिलेगा। अभी इसके पहले डिबेट हो रही थी, एक समाजवादी पार्टी की नेता थी, उन्होंने कहा कि मायावती जी का उम्र के नाते हम सम्मान करते हैं। आखिर अगर आप बुआ जी का सम्मान कर सकती हैं तो लेकिन मनीष शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में भाजपाइयों को शिवपाल जी भ्रष्ट नजर आते थे, उन पर आप लोग आरोप लगाते थे, आज जो भावनात्मक लगाव आप दे रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनके और अमर सिंह के पीछे भी कहीं ना कहीं आपका एक हाथ है, जो सामने दिख तो नहीं रहा है लेकिन पीछे से असरदार हो रहा है? हमारा 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 शिवपाल जी से कोई लगाव नहीं है। मैंने केवल उन बातों पर अपना पक्ष रखा है कि जो लोग सम्मान देने की बात राजनीतिक अनुभव और उम्र के आधार पर कहते हैं, उनकी खोखली बातों को मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल में जनहित के विरुद्ध काम किए थे उसमें सब लोग समान रूप से भागीदार हैं, और ये लड़ाई कोई नैतिक लड़ाई नहीं है जी। ये लड़ाई तो जनधन की जो लूट अखिलेश यादव जी ने की थी, उस लूट के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद, ओमकारनाथ जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं, जानता है जी, ओमकारनाथ जी को चर्चा में शामिल करते हैं। ओमकारनाथ जी, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला था, लेकिन अब क्योंकि एक और मोर्चा खुल गया और उसके मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज से टीवी चैनलों पर बैठना भी शुरू कर दिया है, लिहाजा नफा नुकसान तो सबके ऊपर होगा, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कितना असर आप देखते हैं उस व्यक्ति को लेकर जिसने समाजवादी पार्टी का वो बीज बोया था, जिसके लिए उसने संघर्ष किया और जिसको लेकर वो कहता है कि 100-100 किलोमीटर साइकिल चलाई, कपड़े धोए, अब वो जनता में संदेश के साथ जा रहा है, क्या असर देखते हैं इसका? देखिए साहब, मैं तो इसको परिवार की लड़ाई मानता हूं। नहीं, अब तो सियासी दल बन गया सर। परिवार की लड़ाई में मैं सम्मान भी देख रहा हूं। अब 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाद भी आप देख लीजिए कि सियासी दल के बाद भी आप देखिए कि जहां जब ये कार्यक्रम आया शिवपाल जी के कार्यक्रम का, तो समाजवादी पार्टी वहां से हट गई जी। उसने कोई अपना वक्तव्य देना उचित नहीं समझा, और इसलिए कि उनके मान में कहीं सम्मान में कमी ना हो जाए, तो ये अभी दिखाई नहीं, दो तरीके होते सर हमारी तो नजर से देखिए, शायद जवाब नहीं था उनके पास, हो जाएंगे हमारी नजर से देखेंगे तो जवाब नहीं था उनके पास, जवाब ना दे पाए इसलिए उठकर चले गए, ये होता है। तो बहुत सम्मान अगर होता तो शायद उनको सम्मान मिल गया होता, वो मीडिया में जाकर जो वो रोते थे शिवपाल जी, वो सम्मान दे दिया होता, वो सम्मान के लिए नहीं उठे, आप उसको गलत विश्लेषण मत करिए। सम्मान की
अरे भाई बात तो सुन लीजिए माननीय, आप तो मेरी तरफ से अपनी बोल रहे, मेरी वाली बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसको बता रहे हैं, बोले जा रहे हैं जी। मैं हाँ तो नहीं, आप गलत बता रहे हैं ना, आप उनका सम्मान तो बहुत। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनकर बता रहे हैं, सम्मान दिया आपसे कांग्रेस का स्टैंड पूछा गया, समाजवादी पार्टी आपको कैसे पता, आपको किसने बताया कि उनके सम्मान मुड़के चले गए? प्रधानमंत्री जी अपने परिवार में क्या सम्मान दे रहे हैं? आपको किसने बताया? आपसे रोली जी बताकर गई, सम्मान दे रहे हैं? आपसे रोली जी बताकर गई थी, ये जो देख रहे हैं, आपसे रोली जी बताकर गई थी कि वो उनके सम्मान में उठकर जा रही है? आपसे रोली जी बताकर गई थी? बताने वाली या दिखाई नहीं पड़ रहा है? किसको दिखाई पड़ रहा है? दिखाई नहीं पड़ रहा है किसको? दिखाई पड़ रहा है, अरे सबको दिखाई पड़ रहा है कि वो यहाँ चले गए, वो यहाँ से इसलिए उठ कर गए क्योंकि इस मामले पर वो जवाब नहीं दे पाती। सुन लीजिए, अगर उनमें आपस में लड़ाई होती तो यहाँ आशु भी बैठे हुए थे और वो भी दोनों लोग लड़ते, लेकिन वो इसलिए चली गई कि भाई वो बात उनके उनके सम्मान में कोई बात नहीं कहना चाहती थी। तो क्या जहाँ शिवपाल जी सीट खड़ा करेंगे, तो क्या जहाँ शिवपाल जी कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी? ये परिवार फिर एक हो जाएगा। तो क्या जहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे? अब ये तो वो जाने, हम क्या बताएंगे इसको? तो आप उनका पक्ष रख रहे, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे जी, असर कितना होगा? सीधा सवाल, गलत सवाल पूछ रहे हैं ना। पक्ष तो जो दिखेगा वो दिखाई पड़ जाएगा, जैसे आप मुझे क्या असर होगा, मैं कह रहा हूं कोई असर नहीं होगा इसका। आपको नहीं लगता कोई ऐन मौके पे सब लोग एक हो जाएंगे? आशु जी, ऐन मौके पर सब लोग एक हो जाएंगे, क्या गुंजाइश बचती है? खुला रखा जाएगा आशु जी, देखिए वही तिवारी जी भी बोल रहे हैं, वो विकल्प खुला रखा जाएगा कि आखिर में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को समझाएंगे कि शिवपाल जी का सम्मान कीजिए और इनको वापस लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ आशु जी, कल आपकी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े और उनसे पहला सवाल ये था मेरा कि क्या कोई गुंजाइश बचती पीछे मुड़ने की? उनका जवाब था नहीं। आज आप हमारे साथ लाइव बैठे, फिर सवाल वही है, क्या अभी भी कहीं से कोई गुंजाइश बचती है वापस परिवार के एकजुट होने की, या अब राहें जुदा हो गई हैं? श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट रूप से एक बार नहीं, विगत दो तीन दिनों में स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अब उन चीजों से बात आगे बढ़ गई है, अब श्री शिवपाल सिंह यादव जी अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उन्होंने यह फैसला ले लिया है कि हम पूरी के पूरी 80 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। नहीं तो क्या अगर आपको अखिलेश जी मनाने आते हैं, कहते हैं मान लीजिए गलती हो गई, तो भी वापस नहीं जाएंगे आप? आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं। अब हमने आपसे कहा ना सुभंकर जी, जी मैंने आपसे कहा ना कि अब इन चीजों पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मतलब अब हम ये मान ले, जो बात मैं कह रहा हूं कि सेक्युलर मोर्चा 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगा और उसका राजनीतिक तौर पर अब अखिलेश यादव से कोई लेना देना नहीं है, ये बात देखिए ये बात हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट कर दी है। अब ये सवालों से हम अनुरोध करेंगे कि अब इनसे आगे बढ़िए, हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों से है, ठीक है, हम समाजवादी और सेकुलर सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम विचारधारा पे राजनीति कर रहे हैं, अब राजनीति इन चीजों से आगे बढ़ गई है, अब महंगाई पे चर्चा करिए, अब भ्रष्टाचार पे चर्चा करिए, अब इसका अब ये विषय छोड़ दीजिए। हमारा अनुरोध है शुभंकर जी, जी अब हो, अब हम लोगों को बुलाइए तो अब महंगाई पे चर्चा कराइए, वर्तमान सरकार पे चर्चा कराइए। नहीं, नहीं करेंगे सर, क्योंकि आज आपका पहला दिन है और हमारे साथ दो मेहमान हैं जिनको ये लग रहा है, तो उनके विश्लेषण को लेकर भी हम आपसे क्लियर कर रहे हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है उन्हें, इसलिए आज क्लियर कर रहे हैं, बाकी आगे आपसे सवाल पूछेंगे सर। जी जी प्रेमकांत तिवारी जी, मैं आप समझना चाहूंगा क्यों आपको ऐसा लगता कह रहे कि नहीं अब ऐसा नहीं है? वो मुझे इसलिए लग रहा है शुभंकर जी कि मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व इतना बड़ा है पार्टी के लिए खास तौर से जी, और परिवार के लिए खास तौर से, वो एक जो है वो कह लीजिए कि प्रकाश केंद्र हैं जी, और जब तक मुलायम सिंह यादव हैं तब तक उनकी बात को ना अखिलेश यादव काट सकते हैं ना शिवपाल यादव काट सकते हैं, और पार्टी के किसी भी बड़े से बड़े नेता तो जो भी थिंक टैंक भी माने जाते हैं उनके अंदर भी ये क्षमता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव की बात को कोई इनकार कर सके, कोई काट सके, ठीक है। इस लिहाज से मुलायम सिंह यादव पर बहुत सी बातें अभी भी शिवपाल चौहान। मनीष शुक्ला जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं प्रेमकांत जी की बातों से, क्योंकि हम 2017 से लगातार देखते आ रहे हैं। प्रेमकांत जी जी,
देखिए प्रेमकांत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, ये अपना विश्लेषण कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से समाजवादी सेकुलर के प्रवक्ता के कहने के बावजूद आशान्वित है समाजवादी पार्टी एक हो सकती है, वो निश्चित संकेत एक चीज का संकेत तो देती है कि कांग्रेस के पास अपना अब यूपी में कुछ बचा नहीं है। सब ठीक हो जाए, मायावती जी कहते हैं कि आपने पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, आप भी एक जैसे हो, उसके बावजूद मायावती जी की बात आप नहीं समझ पा रहे, ऐसा इनका आरोप होता है। समाजवादी सेकुलर मोर्चे के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं होंगे, फिर भी ओंकारनाथ सिंह जी कतई मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी मजबूती करना चाहिए, और ये दूसरे की राजनीति दूसरे दलों में ताक झांक करके उसको इस तरह से बात करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कलाई तो जरूर खुल रही है सामने। और ये लग रहा है कि बसपा के भी प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, सपा के भी प्रवक्ता हो गए, और सेकुलर समाजवादी मोर्चा के भी रणनीति केवल कांग्रेस से ही पूछ के तय हो रही है। ये बड़ी हास्यास्पद जी। मनीष जी, मैं आप ही का सवाल पूछ लेता हूं, समय में सबसे बड़ी पार्टी, मैं आप ही का सवाल पूछता हूं ओंकार जी से। ओंकार जी, क्या कांग्रेस अब उस स्थिति में आ गई है जहां पर अब सारी चीजें बर्दाश्त है, जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि आप बसपा का भी स्टैंड ले रहे हैं, उनके लिए भी आप झुक गए हैं, आप समाजवादियों के लिए भी? आप तो विद्वान एंकर हैं। नहीं सर, हम तो आप विद्वानों समझते हैं सर, आप समझाइए जरा क्यों ऐसा हो रहा है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो मोर्चा बना हुआ है जी, अभी तक राजनीतिक दल का रूप नहीं ले पाया, और लोकसभा का चुनाव क्या जनता इतना आप जनता को बुरा समझते हैं कि कोई आदमी एक मोर्चा बना लेगा और जनता उनके पीछे भागने लगेगी, क्या इसका असर पड़ेगा? एक चीज। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा मायावती जी के बयान पे, आपने भी कहा बयान आते हैं, बयान का ये मतलब नहीं कि समझौता खत्म हो गया जी या नाराजगी हो गई। शिवसेना कितनी बार बीजेपी को क्या क्या कहती है, और जब वोट डालना होता साथ जाके वोट डालती है। तो ये विचारों का अगर भिन्नता न होती तो दल अलग अलग क्यों होते? नहीं, लेकिन वहां पर बीजेपी भी ये जवाब देती है कि शिवसेना अपनी मर्जी से है। बीजेपी ये नहीं कहती कि शिवसेना के कहने का भाव कुछ और था। आप तो कह रहे नहीं, मायावती जी का लाड प्यार है। नहीं तो हम क्या होता, उन्होंने कहा एक बात, उसका हमने जवाब दिया। बड़ी दिलचस्प बात है आज शुभंकर जी। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। कांग्रेस के दिमाग में एक आरोप ये लगा, कंधों पे कई भार है, बसपा का भी जवाब देना है, सपा का भी देना है, समाजवादी सेकुलर मोर्चा का भी देना है। कंट्रोल था हमारे समय में 135 बैरल पे 62 रुपए पेट्रोल था, मैक्सिमम एक बार 72 पहुंचा था। आपने, अरे सर, हम तो आप पे कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं आपके टाइम में टाइम अलग थे, 72 पहुंचाया था। ये बात मायावती जी क्यों कह रही है ये हमको समझ में नहीं आ रही है, और उसके बाद समझ में ये नहीं आ रहा आप कवर अप क्यों कर रहे हैं। आज 70 रुपए कच्चा तेल है और उसके बाद ये हालत है। चलिए ठीक है, 83 रुपए तेल, 40 रुपए से 72 रुपए पहुंचाया था। अभिषेक सिंह आशु साहब, क्योंकि आज आप पहली बार आए हैं, लिहाजा मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब इन विषयों को लेकर चर्चा ना की जाए कि क्या होगा कैसे, अब हम वापस जाएंगे आगे की बात करें, तो आगे यहां से रणनीति क्या, आपको क्या लगता है किससे आपकी लड़ाई है, बीजेपी से या समाजवादियों से या वो जो गठबंधन है या कोई आप साथ लेकर भी चलेंगे, आगे की रणनीति आपकी? निश्चित रूप से लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, और हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह जी ने जी यह इच्छा व्यक्त की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जी उनको सत्ता से बाहर करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई महागठबंधन बनता है और उसमें अगर हमें सम्मान मिलता है और सम्मानजनक सीटें मिलती हैं जी, तो हम उस गठबंधन का हिस्सा होने के लिए तैयार हैं। ये हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने फैसला लिया। और ये सम्मानजनक क्या होता है? हमारी लड़ाई मुद्दों को लेकर के विचारधारा, ये सम्मानजनक सीटों का पैमाना कितना होता है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, क्योंकि हर कोई सम्मानजनक कह रहा है, मायावती जी भी सम्मानजनक, आप भी सम्मानजनक, सम्मानजनक कितनी होती है? वो आपस में जब मिल बैठेंगे, पहले सैद्धांतिक सहमति बन जाए दलों के अंदर, पहले आपसी ये सैद्धांतिक सहमति बन जाए कि हाँ हमें महागठबंधन बनाना है। तो अगर अखिलेश यादव आपसे ये कहते हैं, मेरा सवाल सुनिए सर आप, क्योंकि आज आशु जी उत्तर, अगर अखिलेश ये कहते हैं कि ठीक है आपको शिवपाल जी को 5 सीटें या 7 सीटें 10 सीटें वो दे रहे हैं, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं, और आप हमारे साथ आइए, 7 कैंडिडेट आपके होंगे, समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़िए, तो क्या जाएंगे? सम्मानजनक के साथ बात कर रहा हूं। हमने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं जी, कि हम अब इन चीजों से आगे बढ़ गए, हमने पहले भी कहा, फिर इस बात को दोहरा रहे हैं, और आप स्पष्ट मैं कर रहा हूं, समाजवादी सेकुलर मोर्चा
इन चीजों से अब आगे बढ़ गया है। मतलब अब हमारा कहीं वो सम्मानजनक जो होगा वो आपके झंडे बैनर तले होगा के हिस्सा हो सकते हैं, वो सम्मानजनक सीटें आपके बैनर और आपके झंडे तले होगा जी, वो हम हमारा जी जी ये बात तय हो गई। हम उन चीजों तो किसके साथ जाएंगे बुआ जी, बुआ जी तो उधर जा रही है, अखिलेश जी उनके साथ जा रहे हैं, कांग्रेस बगल में बैठी है, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके साथ क्या कुछ गुंजाइश बन रही है, ओमकार नाथ जी के साथ। हमारा सेकुलर मोर्चा, हमारा जो सेकुलर मोर्चा बना है वो इशू को लेकर के बना है, हमें सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है, हमें समाजवाद और सेकुलर सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ना है, इन सिद्धांतों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और लड़ाई हमारी सांप्रदायिक शक्ति तो जो जनता वोट देने जाएगी भ्रष्टाचार से है, जो जनता वोट देने जाएगी दलित सारे लोग आज अल्पसंख्यक अपने आप आशु जी, जो जनता वोट देने जाएगी वो आपको क्यों, आपको क्यों वोट दे, वो कांग्रेस बसपा और सपा के गठबंधन को वोट क्यों ना दे, वो आपको क्यों वोट दे, आप भी वही बातें कह रहे जो वो कह रहे हैं, तो फिर आपको क्यों वोट दे वो? हम अपने विचारधारा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे जी, हमारी अपनी विचारधारा है, अपने इश्यूज हैं, तो वो समाजवादी पार्टी से कैसे भिन्न है? इसके बाद चर्चा समाप्त कर दूंगा मैं। हम उनके खिलाफ आपकी विचारधारा समाजवादी पार्टी की विचारधारा से कैसे भिन्न है या गठबंधन से कैसे भिन्न है वो समझा दीजिए, उसके बाद हम चर्चा समापन करेंगे। अगर थोड़ी सी अगर कहीं विचारधारा में भिन्नता नहीं आई होती तो आज ये नौबत कैसे आई होती? तो क्या है वो? ये बात शुभंकर जी आपको खुद समझना चाहिए कि ये चीजें आज ये आ गया है, सेकुलर मोर्चा का गठन हुआ है, तो निश्चित रूप से कुछ ठीक है। एक आखिरी सवाल, चर्चा समाप्त, उसके बाद हमारी विचार क्या में आप बीजेपी के लिए एक वोट कटुआ के तौर पर काम करेंगे, सपा को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को फायदा हो, या आप कुछ अपना आधार देख रहे हैं अगले चुनावों में? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये कोई जो सोचता हो सोचे, ठीक है ठीक है, वो जो सोचे जो कहे कहे, ठीक है। मनीष शुक्ला जी आपका, ओंकार नाथ जी आपका, अभिषेक जी आपका, आप पहली बार आपका विशेष तौर पर, और प्रेमकांत जी आपका, आप चारों हमारे साथ जुड़े। हमने कोशिश की अलग अलग विषयों को टटोलने की, कुछ गर्माहट भी आई, लेकिन कोशिश हमारी थी कि सेकुलर मोर्चे को लेकर जो मोर्चाबंदी है उसके जितने पहलू है सभी के टटोला जाए और उनका जो निष्कर्ष है वो जनता के सामने रखा जाए, ताकि आवाम को ये समझ में आए कि सियासत में दरअसल चल क्या रहा है और सियासत का असर कितना होगा। आगे भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।